कांग्रेस सूत्रों मुताबिक पार्टी 6 फरवरी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी 6 फरवरी पंजाब का दौरा कर सकते हैं। दस दे 27 जनवरी अपने पंजाब दौरे दौरान राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस विधानसभा चोणा मुख्यमंत्री चेहरे नाल लड़ेगी अते पार्टी वर्करां नाल सलाह मशवरा करन तों बाद जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने पहला ही मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं लै के पार्टी नेतावां अते वर्करां नाल चर्चा शुरू कर दिती है। पार्टी अपनी शक्ति ऐप राही कांग्रेस नेतावां अते वर्करां तों जवाब मंग रही है। पार्टी ने इस विषय ते आम लोगों की राय भी मंगी है अते 2 दिनों तों यह काम शुरू कर दिता गया है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी 6 फरवरी ऐतवार नूं पंजाब का दौरा कर सकते हैं अते मुख्यमंत्री दे चेहरे दा ऐलान कर सकते हैं। पिछले कई हफ्तों तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सूबा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे या सीधे तौर पर अपने आप को पार्टी के मुख्यमंत्री अहुदे के उम्मीदवार ऐलान का दावा किया है। कांग्रेस अपना ध्यान चन्नी वाल मोड़ती नज़र आ रही है जो अनुसूचित जाति नाल संबंधित हैं अते 2 विधानसभा सीटा चमकौर साहब और भदौड़ तो चोण मैदान में उतारे गए हैं। SC और ST कांग्रेस के रवायती वोट बैंक रहे हैं पर वह बहुजन समाज पार्टी और कुछ होर छोटे समूहों के उभार तो बाद पार्टी तो दूर हो गए। कांग्रेस हुण साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की थान चन्नी नूं मुख्यमंत्री बना के SEC वोट बैंक नूं मजबूत करन की कोशिश कर रही है जिस विच पंजाब की लगभग 1/3 आबादी शामिल है। चमकौर साहब सीट तो 3 वार विधायक रहे चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं। वह 2 सीटा तो चोण लड़न वाले इकलौते पार्टी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने पंजाब च अपने उम्मीदवार नूं टिकट की वंड च एक परिवारिक एक सीट के फार्मूले की पालना की है। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते जलंधर में एक वर्चुअल रैली नूं संबोधन करदिया कहा कि चन्नी और सिद्धू ने उन्हां नूं भरोसा दिवाया है कि जिसनों भी मुख्यमंत्री चुनिया जाएगा दूजा उसका समर्थन करेंगे। राहुल गांधी ने यह बयान एक रैली में सिद्धू वालों पार्टी तो चोणां लई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग किए जाने तों बाद दिता है और कहा कि वह दिखावा नहीं बनना चाहते। सो इस हुण तक की वड्डी खबर होर खबरां देखने लई साडे चैनल नाल बने रहो। धन्यवाद।